उस सब चीज़ को लेके हमारे बीच में राजेंद्र मान जी जो भीमसेना के अध्यक्ष हैं और समस्त भारत के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र मान जी जो आप जो यहाँ इस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो हर जगह देख लो कि आप समाज में जहाँ भी ये अत्याचार हो रहे हैं, इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है। हरियाणा में लगभग एक महीने के अंदर 8-8 बलात्कार हो जाते हैं माँ बहन बेटियों के साथ। उसके बाद हापुड़ जिला है जहाँ पर एक बहन का बलात्कार हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। ऐसे ही बिहार में भी एक हमारी बहन है बिंदु, उसके तीन भाइयों को मार दिया जाता है, माँ बाप को मार दिया जाता है और उसको भी जान से मारने की कोशिश की जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है। तो हर मुद्दे को लेकर के जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के ये महान आंदोलन के रूप में एक प्रोग्राम रखा गया था और उसमें सभी राज्यों से जो पदाधिकारीगण हैं साथी हैं वो पहुँचे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई के लिए भी हम जो मांग है शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे। दूसरी बात है कि अभी 8 मार्च को जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा, उसमें भीम सेना भीम आर्मी एक साथ मिलकर के कार्य कर रही है। मेरी साथियों के साथ बात हो चुकी है, हम सभी साथी मिलकर के पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन 8 मार्च को स्टार्ट करेंगे और उसमें जितने भी हमारे भीम सेना के पदाधिकारीगण हैं, भाई हैं, साथी हैं, महिला विंग है, छात्र विंग है, प्रदेश विंग है, वो सभी पदाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई के लिए और जितने भी समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं, गवाणा कांड, बगाणा कांड, मिर्जपुर कांड, ऊना कांड, तमाम इतने कांड हैं कि मैं आपको गिनवाता थक जाऊँगा, मगर ये कांड है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, निरंतर बढ़ते रहेंगे। और इन सभी मुद्दों को लेकर के भीमसेना और सहयोगी संगठन कार्य कर रहे हैं, मगर कुछ कारणवश आज साथी थोड़ा यहाँ पर कम पहुँच सके हैं। तो हम कल जो रैली जो हमारे भाई प्रकाश अम्बेडकर जी पहुँच रहे हैं उनका भी हमारे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। तो जितने साथी यहाँ पहुँचे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुवादन करता हूँ कि वो भी वहाँ पर पहुँचें और जो आंदोलन भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए किया जा रहा है उसमें पहुँचें। राजेंद्र मान जी, अभी आपने बताया था भीम सेना भीम आर्मी काम कर रही है। जी जी जी। और ये जिस समय फर्स्ट पहली बार जब यहाँ एक जना आक्रोश दिखाई दिया था तो उससे सरकार हिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भीम सेना के भी टुकड़े हुए, भीम आर्मी के भी टुकड़े हुए, ये क्या कारण है, क्यों संगठित नहीं है? ये कुछ आप देख रहे हो कि कुछ जो संगठन है वो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और राजनीति की वजह से ही संगठनों के टुकड़े हो रहे हैं जो प्रमुख हैं। माना जाए कि कहीं ना कहीं स्वार्थ है लोगों का स्वार्थ है, वो आपको भी देखने को मिल रहा है अपने चैनलों के माध्यम से भी, न्यूज़ के माध्यम से भी, और वैसे भी ज़्यादातर समाज के जो मुद्दे हैं वो ये लोग वाग उठा नहीं पाते और सिर्फ राजनीति रूप दे देते हैं इनको और राजनीति स्टंट है, आप देख ही रहे हो। राजेंद्र मान जी कहते हैं कि भाई हमें काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इतना बड़ा फील्ड छोड़ गए हैं कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। वैसे तो बाबा साहब ने हर व्यक्ति को, हर साथी को, हर महिला को, हर बहन को संविधान के रूप में कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं, मगर अगर हमारा कोई साथी राजनीति भी करना चाहता है तो राजनीति भी ढंग से होनी चाहिए, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर संगठन के साथी और सहयोगी भाई जो हमारे होते हैं वो चापलूसी ज़्यादा करते हैं, चमचागिरी ज़्यादा करते हैं। तो चमचागिरी छोड़ करके अगर राजनीति करनी है तो खुल के सामने आए, आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़ें, संगठन में रहकर लड़ें, मगर ये नहीं है कि जो पार्टियाँ हैं, जो मनुवादी ताकतें हैं उनका सहयोग लें, उनका सहयोग ये ज़्यादा ले रहे हैं, आप देख ही रहे हो। राजेंद्र मान जी, अभी आपने बताया कि भाई चंद्रशेखर की रिहाई के लिए हम इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं और 8 मार्च से करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर के साथ में 5 और भी तो मेंबर हैं, उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जाता, एक चंद्रशेखर का ही नाम क्यों लिया जाता है? उन सभी साथियों की रिहाई हो चुकी है, जमानत हो चुकी है, मगर जो भीमसेना है तो उन पे भी लगी है ना, तीन पे रासुका है, तीन में से लगभग 2 बार आ चुके हैं और आए नहीं भी, तो तीनों के लिए भी हम जो मुहिम है उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके पूरी मुहिम स्टार्ट करेंगे, पूरे भारत में स्टार्ट करेंगे और सभी साथियों को आदेश भी देंगे कि भाई चंद्रशेखर और सहयोगी साथियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको लेकर के प्रदर्शन नहीं, अब तो हल्ला बोल प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये जनसभाएं तो बहुत हो चुकी हैं। क्योंकि आज की जो वर्तमान सरकार है समझ चुकी है कि इस समाज की औकात क्या है, औकात में इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो बिखरा हुआ समाज है इसको इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, सभी कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनके बहन बेटियों के साथ इस तरीके अत्याचार हो रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आज समाज एक नहीं है।
तो मेन तो कारण यही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हजारों संगठन बने हैं और वो फील्ड में ना काम करके सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट नहीं करते वो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आज भीमसेना एक मुहिम लेकर के दिल्ली में पहुंची है, चाहे हम यहाँ पे कम संख्या में हो, मगर हम अपने समाज की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आज हम कम हैं, कल को ज़्यादा भी होंगे, और समाज की आवाज़ नहीं दबेगी। राजेंद्र मान जी, क्या अपील करना चाहते हैं आप समाज से? समाज से मेरी यही अपील है कि भाई आप लोग किसी पार्टी बाजी के चक्कर में ना आए। ना तो भीमसेना किसी पार्टी को सपोर्ट करती है ना करेगी। भीमसेना ओनली समाज और समाज के लिए बनी है, समाज के जो मुद्दे हैं उनके लिए बनी है, और वही कार्य करेगी। धन्यवाद।